की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा बाबा महाकाल की सवारी का मार्ग परिवर्तित किया गया है। अब बाबा महाकाल की सवारी पुराने मार्ग की बजाय नए परिवर्तित मार्ग से निकलेगी। मार्ग परिवर्तन करने का शहर कांग्रेस ने विरोध किया है। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव का कहना है कि बाबा महाकाल की सवारी परंपरागत प्राचीन मार्ग से ही निकाली जानी चाहिए, क्योंकि ओडिशा में भगवान जगन्नाथ यात्रा भी प्राचीन मार्ग से निकाली गई है। उज्जैन में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। यहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह को एक ज्ञापन दिया और प्राचीन मार्ग से सवारी निकालने की मांग की। आज जो हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के सारे लोग आए हैं, वो ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि महाकाल भगवान की सवारी परंपरागत मार्ग से ही निकले। जगन्नाथ यात्रा भगवान की यात्रा में 10 लाख लोग शामिल होते हैं और वो परंपरागत मार्ग से निकल रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। तो उज्जैन का एक दल वहाँ पे जाके अध्ययन कर ले कि किस तरीके से उन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया गया है और किस तरह वहाँ पे व्यवस्था करी है। अरे आप धारा 144 लागू कर दो, कर्फ्यू लागू कर दो। भगवान प्रजा का हाल जानने आ रहे हैं, प्रजा को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी, नगर पूजा जब हमारी की गई तब जाके भगवान महाकाल का जो पट खोले गए तब जाके कोरोना जैसी महामारी खत्म हो गई है। और हरिहर मिलन जो होता है, भगवान कृष्ण और शंकर भगवान जी का जो मिलन होता है, उसकी परंपरा को आप तोड़ रहे हो। तो आज हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है कि हमारी मांग पूरी करें और समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को स्वीकार करते हुए परंपरागत मार्ग से भगवान महाकाल की सवारी निकालें। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।